आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। आरएसएस की संस्था सेवा भारती की पहल और समाज सेवियों के सहयोग से शासकीय अस्पताल में 2 आईसीयू कक्ष की मिलेगी सौगात। कोरोना संक्रमित मरीजों को अब शासकीय अस्पताल में ही मिलने लगेगा बेहतर इलाज। कोरोना संक्रमित मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने के लिए अब आरएसएस की संस्था सेवा भारती स्वयं सेवकों ने भी अपने प्रयासों से शहर के शासकीय अस्पताल में 2 आईसीयू कक्ष बनाकर देने की पहल की। ये 2 कक्ष जल्द ही समाज सेवियों के सहयोग से तैयार करवाए जाएंगे। दरअसल खरगोन जिले के बड़वाह में फैली कोरोना महामारी में पीड़ित मरीजों को शासकीय अस्पताल में होने वाली समस्त सुविधा को लेकर जहां स्थानीय समाज सेवी अपने प्रयास कर रहे हैं, वहीं अब सेवा भारती स्वयं सेवकों ने भी समाज सेवियों और अन्य दानदाताओं के सहयोग से शासकीय अस्पताल में 2 आईसीयू कक्ष तैयार करवाने की पहल की, ताकि गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवार सदस्यों को निजी अस्पताल के महंगे इलाज से राहत मिले। जबकि वर्तमान हालातों को देखते हुए कोरोना संक्रमित मरीजों को भी अपने ही शहर में समयानुसार उपचार सुविधा मिल सके। सेवा भारती द्वारा दी जा रही सुविधा को लेकर जिला CMHO DS चौहान, SDM अनुकुल जैन, डॉक्टर अरुण दोहरे ने शनिवार दोपहर शासकीय अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां उनके द्वारा जल्द ही अस्पताल में उपचार संबंधित अन्य कमियों को दूर करने की बात कही। आपको बता दें, बड़वाह में कहने को तो 50 बिस्तरीय शासकीय अस्पताल माना जाता है, लेकिन इस अस्पताल में अब तक इमरजेंसी उपचार के लिए आईसीयू कक्ष का अभाव था, जिसे अब सेवा भारती एवं समाज सेवियों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है, जहां अब इमरजेंसी मरीजों को किसी भी परिस्थिति में बेहतर उपचार मिल सकेगा। बता दें, आईसीयू बेड कक्ष को वातानुकूलित करने के लिए एसी की स्थापना की जा रही है। वहीं बड़े हॉल को आईसीयू रूम बनाने हेतु एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन से सेपरेशन किया जा रहा है, जबकि अत्याधुनिक 5 मूवमेंट्स करने वाले आईसीयू बेड लगाए जा रहे हैं। आईसीयू बेड के साथ ही ईसीजी मशीन, सिरिंज पंप, बाईपैप मशीन, 5 पैरामीटर्स फ्लेक मॉनिटर, साइड लॉक टेबल, ऑक्सीजन लाइन एवं ऑक्सीजन सिलेंडर के ड्यूअल अरेंजमेंट, नेबुलाइजर, ऑक्सीमीटर आदि व्यवस्थाओं के संपूर्ण आईसीयू बेड की व्यवस्था 3 दिनों में प्रारंभ होगी। इस कार्य को करने के पूर्व हेल्पलाइन पर कार्यरत स्वयंसेवकों ने इस बात से संघ के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाया था, जिस पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि 3 दिनों में बड़वाह आईसीयू के 2 बेड चालू करने हैं, क्योंकि शासकीय स्तर पर इतनी जल्दी ये सुविधा उपलब्ध करवाना संभव नहीं था। इसीलिए निर्णय लिया गया कि स्वयंसेवक समाज के सहयोग से ये कार्य जल्द से जल्द हो, जिसके मद्देनजर समाज सेवियों के सहयोग से इस कार्य को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्न जैन के साथ सिटी रिपोर्टर विकास पवार की रिपोर्ट। सर बताएं, आज आपका दौरा रहा, विशेष क्या इसमें क्या सौगात मिलने जा रही है? मेन विशेष ये था कि आज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य उपचार योजना जो अभी 8 तारीख से स्टार्ट की है, उसमें निजी अस्पतालों में भी आयुष्मान कार्ड से सेवाएं मिलेगी, पेशेंट को फ्री में इलाज होगा, जितने भी जो कोविड के पेशेंट हैं। तो इस उद्देश्य से आया कि जितने से ज़्यादा ज़्यादा पेशेंट जो है वो निजी अस्पताल में अपना इलाज करवाए, और गवर्नमेंट में तो मिल ही रहा है, लेकिन शासन ने ये बोला है कि आपको निजी अस्पतालों में भी अच्छी से अच्छी सेवाएं मिलेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट निजी अस्पताल में जाए और अपना इलाज भी करवाएं। जी, बड़वाह में आईसीयू की जो व्यवस्था सौगात मिलने जा रही है, क्या कैसे क्या मिलने जा रही है? बस ये आप ये सेवा को सेवा भारती से मिल रही है ना, तो ये आईसीयू की जो जितनी भी जो उपकरण है वो सब पूरे सब वो कर देंगे ये, और यहाँ अपने यहाँ अच्छा से आईसीयू स्टार्ट हो जाएगा, और तो अपन को यहाँ से जो है जो क्रिटिकल जो पेशेंट है उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वंदे मातरम। सेवा भारती नगर बड़वाह की ओर से एक और सौगात बड़वाह नगर वासियों को सेवा भारती देने जा रही है, जिसके माध्यम से बड़वाह शासकीय अस्पताल में 2 बेड का आईसीयू ये लोग सेवा भारती के माध्यम से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अभी खरगोन से टीम आई थी, जिन्होंने इस कार्य की सराहना की, और नगर के सहयोग से, सभी के सहयोग से हम लोग यह सेवा भारती के माध्यम से 2 बेड का आईसीयू बड़वाह शासकीय अस्पताल में शीघ्र शुभारंभ करने जा रहे हैं।